श्री <Sessly> महाप्रज्ञ आचार्य ने पहले कहा कि आपका नाम भी रक्षा करता है इस बात को फिर आगे बढ़ा रही हैं कि हृदय त्वई आप प्रभो आप जब हृदय होते हैं यानी हृदय में विद्यमान होते हैं तो ये कर्म के बंध अपने आप शिथिल हो जाते हैं हृदय का एक अर्थ है मन कोशकारों ने मन का पर्याय माना है हृत और हृदय का एक अर्थ जो हमने परीक्षा ध्यान के संदर्भ में किया है वह है मस्तिष्क का एक भाग जहाँ मन क्रिया करता है भाव क्रिया करता है भाव भाव से भाव और मन कुछ भी कहें जब आप भीतर चले जाते हैं चेतना के भीतर आ जाते हैं बाहर नहीं भीतर आते हैं दो प्रकार की वृत्तियाँ होती है ध्यान के भी दो प्रकार होते हैं एक भेद प्रणिधान और एक अभेद प्रणिधान जब ध्याता ध्यान करने वाला और ध्येय अलग अलग होते हैं तब भेद प्रणिधान ध्यान होता है और जब ध्यान करने वाला ध्याता अभ्यास के द्वारा अपने ध्येय को अंतर्भूत कर लेता है अपने हृदय में प्रतिष्ठित कर लेता है मन में प्रतिष्ठित वहाँ ध्याता और ध्येय का भेद नहीं रहता वहाँ एक हो जाते हैं अभेद प्रणिधान इसका नाम है अभेद प्रणिधान आचार्य अभेद प्रणिधान की बात कर रहे हैं कि जब आप अभेद अभिन्न हो जाते हैं हृदय में विद्यमान प्रतिष्ठित हो जाते हैं काम तो हो गया बस इतना काफ़ी है फिर नाम की भी जरूरत नहीं न और कोई जरूरत है शिथिली भवंती कर्म बंधा उस अवस्था में ये कर्म के बंध शिथिल हो जाते हैं जितने बंधन हैं शिथिल हो जाते हैं इस विषय में एक दार्शनिक या कर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण समझना भी जरूरी है एक होता है कर्म का क्षय और एक होता है कर्म का शिथिलीकरण जो साधारण कर्म है बनते रहते हैं टूटते रहते हैं क्षीण होते रहते हैं पता नहीं दिन में कितने कर्म बनते हैं कितने समाप्त हो जाते हैं ईरियापथिक चलता रहता है होता रहता ही है शिथिलीकरण अल्पावधिक होते हैं और शिथिल होते हैं ज़्यादा टिक नहीं पाते किंतु एक प्रकार कोटि कर्म एक कोटि के या एक प्रकार के कर्म वे होते हैं दृढ़ बंधन वाले गाढ़ बंधन वाले वे ऐसे नहीं टूटते निविड़ा कर्म बंधा ये आचार्य शास्त्र के मर्मज्ञ हैं इसलिए कहा कि निविड़ बंध साधारण कर्म शिथिल बंध नहीं प्रगाढ़ कर्म बंध निविड़ जो है गहाड़ कर्म बंधे हुए हैं जो ऐसे टूटते नहीं हैं उसके लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है भगवती सूत्र में बतलाया कि एरंड को तोड़ना है थोड़ा सा शस्त्र लिया और एरंड पर चलाया समाप्त और वही उस वृक्ष को तोड़ना है जिसका तना फैला हुआ है आदमी की बाहों में का कई बाहों में नहीं समाता इतना मजबूत तना है एक को लाड़ी के प्रहार से वह नहीं टूटता उसके लिए तो बहुत प्रयत्न करना पड़ता है जो गार्ड कर्मबंध है जिसको एक चिकना कर्मबंध भी कहते हैं बड़े स्निग्ध परिणामों से बड़ी तीव्र परिणामों से कर्मों का बंध किया है वे गाढ़ कर्म बंध निविड़ा अपिकर्म बंधा निविड़ कर्म बंध वे भी शिथिल हो जाते हैं या क्षीण नहीं होते वे शिथिल हो जाते हैं तो दो अवस्था है एक क्षय अवस्था एक शिथिलीकरण पहले शिथिल करना होता है फिर क्षीण होते हैं उत्तराध्यन सूत्र में अनुप्रेक्षा का फल बतलाया तो अनुप्रेक्षा से क्या लाभ होता है धनी बंधन बद्धाइंग कम्माइंग शिथिली भवंती जो धनी यानी गाढ़ कर्म बंध है, है अनुपेक्षा के द्वारा शिथिल हो जाते हैं और यह सुंदर प्रक्रिया है कि पहले शिथिल करो फिर उसको समाप्त करो सीधा करना चाहोगे तो वे समाप्त नहीं होगे बड़ी सुंदर एक कर्म प्रक्रिया आचार्य ने दे दी कि भगवान प्रभो जब आप मेरे हृदय में प्रतिष्ठित हैं तो फिर मुझे और क्या करने की ज़रूरत है आखिर करना तो सारा इसीलिए धर्म का प्रयोजन है कि कर्म बंध को बंधन को शिथिल करना समाप्त करना और बंधन को समाप्त करना है बस आपके हृदय में आते ही बंधन अपने आप ढीले होने शुरू हो जाते हैं अपनी बात को दृष्टांत के द्वारा प्र... प्रस्तुत कर रही हैं यह प्रक्रिया कल बतलाई थी कि पक्ष हेतु दृष्टांत अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कभी कभी दृष्टांत का प्रयोग करना होता है दृष्टांत का कि कैसा कब उस जैसा दृष्टांत है तो आचार्य दृष्टान के द्वारा कर रहे हैं कि जैसे चंदन का पेड़ और यह एक प्रसिद्ध उक्ति रही है कि चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते बड़ा एक स्नेह होता है सांपों का और जो जिसने दक्षिण भारत में देखा होगा या किसी ने मलय पर्वत पर देखा होगा कि जहाँ चंदन के पेड़ है उसकी सुगंध से सांप आते हैं और उसके लिपटे रहते हैं तो पेड़ है और सांप लिपटा हुआ है मध्य शिखंडिनी मध्य भाग मध्यागत जब मयूर उस पेड़ के पास आता है मध्य भाग में आता है पास में आता है तो फिर सारा शिथिली वह बंधन जो सांपों का है अपने आप शिथिल हो जाते हैं दूर भाग जाते हैं चले जाते हैं क्यों मोर से सांप डरते हैं मोर की आती सांप भाग जाती और मोर सांप को खा भी जाता खाते भी हैं डरते भी हैं तो जैसे वन शिखंडी के आने पर वन मयूर के आने पर चंदन का पेड़ जो एकदम गाढ़ बंधन से सांपों के गाढ़ बंधन से बंधा हुआ था किंतु जैसे ही मोर आए वो सारे बंधन खुल जाते हैं वृक्ष मुक्त हो जाता है एक पूरी शास्त्रीय प्रक्रिया कर्म शास्त्रीय प्रक्रिया और ध्यान की प्रक्रिया भी किसी व्यक्ति को समस्या से मुक्त होना है बंधन से मुक्त होना है बंधन को व्यापक अर्थ में ले तो जितने समस्याएँ उलझने बाधाएँ विघ्न सारे बंधन है एक आदमी घिरा हुआ है उनसे मुक्त होना चाहता है तब वह किसी इष्ट का जप शुरू करता है किंतु इस बात पर ध्यान दें कि जब तक उसको हृदय में प्रतिष्ठित नहीं करेंगे पूरा काम नहीं होगा इसीलिए ध्यान की प्रक्रिया में स्थान बतलाए गए कि आप अमुक स्थान पर ध्यान करो आपकी समस्या का समाधान होगा योग में छह चक्र बतलाए जाते हैं और नौ चक्र भी बतलाए जाते हैं दोनों प्रकार हैं छह और नौ का प्रेक्षक ध्यान में चैतन्य केंद्र तेरे बतलाए गए तेरे और सुश्रुत आयुर्वेद का ग्रंथ है उसमें मर्मस्थानों का बहुत सुंदर वर्णन है मर्मस्थान वे तो मर्मस्थान बहुत है एक सौ इक्यावन बतलाए गए शरीर में हमारे शरीर में एक सौ इक्यावन मर्मस्थान है केंद्र हैं जहाँ चेतना सघन होती है और जहाँ कुछ काम हो सकता है तो ध्यान करने के लिए भी जैसे एक हृदय का निर्देश दिया के हृदय प्रदेश पर ध्यान करो हम प्रेक्षा ध्यान की भाषा में कहें तो ज्ञान केंद्र पर ध्यान करो और फिर बाद में शांति केंद्र दर्शन केंद्र आनंद केंद्र विशुद्धि केंद्र आदि आदि केंद्र अलग अलग समस्या और अलग अलग स्थान किस समस्या के लिए कहाँ ध्यान करना है किंतु जहाँ कर्म बंधन को तोड़ना है उससे मुक्त होना है तो शायद सबसे बढ़िया स्थान उसके लिए यह मस्तिष्क के ज्ञान केंद्र ज्ञान केंद्र का बहुत गहरा संबंध है और हठयोग में कहते हैं सहस्रार चक्र सबसे शक्तिशाली चक्र है इतना ज्ञान केंद्र है और वास्तव में यह एक आज के शरीर शास्त्र की भाषा में इसे लिम्बिक सिस्टम का एक भाग है हाइपोथेलेमस जो लिम्बिक सिस्टम का भाग है जहाँ से हमारी सारी वृत्तियों का संचालन होता है और और आगे लेशिया ध्यान की भाषा में जाएं तो भाव केंद्र ये भाव का मुख्य केंद्र है यहाँ लेशिया भाव के रूप में बदलती है और वह भाव हमारे मन को वाणी को शरीर को सबको संचालित करते हैं बस कंट्रोल रूम कौन सा है जहाँ से कंट्रोल हो रहा है वह यह है यहाँ से संचालन हो रहा है सारा और सब अपना अपना काम कर रहे हैं पहली बात कही कि नाम भी रक्षा करता है फिर दूसरी बात कह दी कि जब आप हृदय में प्रतिष्ठित हैं तो अपने आप रक्षा हो जाती है समस्या का हल होता है तीसरी ओर बता रहे हैं यानी सारे ये साधना के प्रकार हैं इन श्लोकों को हम ध्यान से देखें तो एक है कि ये साधना के प्रकार बतला रहे हैं स्तुति कर रहे हैं स्तुति को ऐसा प्रशंसा नहीं है स्तुति के साथ साधना की पद्धतियां बतला रहे हैं पद्धति प्रकार बतला रहे हैं पहला प्रकार नाम जप दूसरा अभेद प्रणिधान यानी हृदय में प्रतिष्ठित करना अपने इष्ट को और तीसरा दर्शन मात्र से भी के प्रभो आपके दर्शन मात्र से भी पाप तो नष्ट हो जाते हैं दर्शन मात्र से रहस्य योग में अनेक प्रकार की दीक्षा आती है दृष्टि दीक्षा स्पर्श दीक्षा पांच सात दस प्रकार की दीक्षाएं हैं कब देखने मात्र से ही काम हो जाता है यह भी बड़ा योग है एक गुरु की दृष्टि पड़ी और गुरु ने ध्यान से देखा और समस्या का समाधान दृष्टि दृष्टि से होता है दृष्टिपात शक्तिपात दृष्टिपात तो दृष्टि से भी होता है तो आचार्य कहते हैं कि तई विकसित भी आपको देखा देखा वो देखने से ही भयंकर उपद्रव शांत हो जाते हैं भयंकर उपद्रव रौद्रई उपद्रव सतई मुचंद भयंकर उपद्रव से व्यक्ति मुक्त हो जाता है इसका भी हम प्रयोग करें ऐसा होता है कि उपद्रव होते हैं और एक साधक व्यक्ति है पार्श की अर्थ की बात तो छोड़ दें साधक व्यक्ति है उसके सामने भी उपद्रव शांत होता है हमारे धर्म संघ में एक साध्वी थी अभी कुछ वर्षों पहले उनका स्वर्ग सुबह पुराने जानते ही हैं थोड़ा उसके कोई प्रेत आत्मा का या कुछ ऐसा उपद्रव था वह कुछ करती मैंने बहुत बार देखा औरों ने सब नहीं देखा है ऐसे करती आचार्य तुलसी के सामने आती आंखें बंद हो जाती है पड़ जाती लड्डू दो है हाँ नाम धन कंवर जी सादी का नाम था धन कंवर जी कोई उपद्रव नहीं शांत सब शांत हो जाए अपने आप शांत हो जाते कुछ करना नहीं पड़ता यह है एक साधना का चमत्कार के साधना के सामने कोई आता है तो होता है अनेक बार मैंने लोगों से सुना कि साधक के सामने मैं आ नहीं सकता उपद्रव करता है मैंने कहा यहाँ उस बार एक बार सामने दर्शन कराओ बात करें उससे और मैंने भी कई व्यक्तियों से कई ऐसे प्रेत आत्माओं आती है उनसे बात बहुत बार की है मैंने कहा उनको भी दर्शन कराओ हम बात करें क्या है क्या बात है तो वो बोला कि आपके सामने तो नहीं आ सकता मैं आऊँगा नहीं नहीं आ सकता ये एक रहस्यपूर्ण तीसरा प्रयोग आ गया कि तुम अगर अच्छी साधना करते हो साधना का तेज है आभा मंडल अच्छा है और तुम्हारा आभा मंडल शक्तिशाली है तो कमजोर आभा मंडल वाला सामने भी नहीं आ सकता और कोई उपद्रव भी नहीं कर सकता बहुत अनुभव हमने इसका किया है बहुत बार किया है कि वैसा होता नहीं है सब शांत हो जाते हैं तो एक ये तीसरा एक प्रकार बतलाया साधना का कि प्रभो जिनेन्द्र जो मनुष्य आपके सामने आते हैं तो विकसित आपकी दृष्टि पड़ जाती है या आपको देख लेता है जैसे ही आपकी दृष्टि पड़ी और आपको उसने देखा तो उपद्रव रौद्र उपद्रव साधारण नहीं रौद्र उपद्रव शांत हो जाते हैं शायद इसीलिए कुछ लोग देवी देवताओं के मंदिरों में जाते हैं कहीं कहीं होता है कि कोई साधक रहा उसने साधना की और उसके जो प्रकंपन शक्तिशाली रह गई हमें इस विषय में समझना है कि प्रकंपनों का सारा खेल है दुनिया में बुरे प्रकंपन के क्षेत्र में जाओ आदमी का दिमाग भी बुरा बन जाएगा बड़ा कठिन प्रश्न है और जहाँ अच्छे प्रकंपन है वहां जाओ बुरा दिमाग है तो भी आकर अच्छा बन जाएगा शांत बन जाएगा शांत बनेगा देखने प्रकंपन देखने से सुनने से भी होता है अभी अभी एक बात बताई कि कोई व्यक्ति चूरू टमकोर के बीच में इधर आसपास अभी बतलाई एक बात कि एक कोई आदमी आत्महत्या करने को तैयार था परेशान सा घर से और ये तो पारिवारिक कलह तो आजकल बहुत चलते हैं पत्नी पुत्र सबसे परेशान था उसने सोचा अब और कोई उपाय नहीं जीने का मतलब नहीं है तो घर में पानी का कुंड था तो कुंड में गिरकर आत्महत्या की बात सोच रहा था संयोग ऐसा मिला कि सुबह के समय वह टी का बटन खोला चालू किया और उसमें हमारा प्रवचन था और वही विषय आ गया संयोग की बात है यही विषय आ गया एकदम वह सुना विचार बदल गया उसने संतों से कहा कि मैं तो आत्महत्या कर रहा था किंतु यह सुना बिल्कुल तो अब मैं आत्महत्या नहीं करूंगा मैंने अभी सुख से जीना है जीना जैसे है वैसे मुझे जीना है शांति से तो वाणी के प्रकंपन दृष्टि के प्रकंपन साक्षात आकृति के प्रकंपन हमारी प्रकंपन प्रभावित करते हैं इसीलिए कहा भारत में बहुत लिखा गया सत्संगति पर सत्संगति का मतलब क्या है कि ऐसे पुरुषों की संगति करो कि जिनकी लेस्या शुद्ध है जिनका भाव शुद्ध है जिनका आभा मंडल शुद्ध है उनके पास जाओ तो तुम्हारे भाव भी अच्छे बन जाएंगे बुरे लोगों की संगति में जाओ तो तुम्हारे भी हो जाएंगे शराब पी और शराब पीकर किसी के पास जाकर बैठा उस पर भी असर हो जाता है इसीलिए ये प्रसिद्ध है आज कि जो बीड़ी पीता है सिगरेट पीता है धुआं छोड़ता है उसके पास मत बैठो जो बीमारी बीड़ी पीने से और सिगरेट पीने से फेफड़ा खराब आदि बीमारियाँ होती है उसका धुआं पास में जाएगा तो उसके बीमारी होनी शुरू हो जाएगी तो पीता नहीं है पर बीमारी लग जाएगी पास में मत बैठो ऐसे लोगों की तो यह सतसंगति का जो महत्व तो बतलाया गया सभी दर्शनों में सभी धर्मों में बड़ा महत्व तो बतलाया गया इसका तात्पर्य समझें कि जिसका आभा मंडल अच्छा है पवित्र है उस व्यक्ति के पास जाकर बैठो तो तुम्हारा अच्छा होगा बदल जाएगा है, बुरे प्रकंपन के पास बैठो तो तुम अच्छे आदमियों तो भी बुरे बनने शुरू हो जाओगे कभी कभी मेरे मन में आता था बहुत बार पहले बहुत पहले की बात है कि मैं देखता कि गुरुदेव विराजमान है आचार्य तुलसी पुज्य कालुगणी को भी देखा और दो दो तीन तीन घंटा बाइिया बैठी रहती कभी गुरुदेव एक शब्द भी नहीं बोलते बतलाते भी नहीं मन में आता क्या कारण है कि इतनी देर बैठी रहती है निकम्मी घर का काम नहीं है क्या हाँ सब काम छोड़कर निकम्मी बैठी है यहाँ पर जब इस रहस्य को समझा तो एक पवित्र आभा मंडल वाले व्यक्ति के सामने बैठने से ही बहुत सारी मन की समस्याएं सुलझ जाती है आनंद आता है उल्लास होता है तो ये निकम्मा नहीं है तो सबसे बड़ा सार्थक काम हो गया सार्थक काम है सारा केरी रे बेच में मात्र से पंजाब से पांचा सरदार जी आते साधक आदमी है और हमने जब से यात्रा की तब से कई वर्षों से आ रहे हैं पाँच सात वर्षों से पांच सात का उनका ऐसे बहुत बड़ा एक वर्ग है उनका पांच सात लोग मुखिया आते हैं बस आकर मेरे सामने बैठ जाते हैं दो दो तीन तीन घंटा बैठे रहते हैं न मैं एक शब्द बोलता न वे बोलते मैंने कई बार कहा आपका समय इतना पर बस आपको कहने की आवश्यकता नहीं है हम अपना काम कर तो ये बिल्कुल एक रहस्यपूर्ण बात कह दी कि प्रभो तो विकसित पी आपके दर्शन से आपके देखने मात्र से ही जब आदमी मुक्त हो जाते हैं उपद्रवों से आचार्य अपनी बात का सिद्ध भी करते हैं उदाहरण दृष्टांत के द्वारा का एक चोर है गो चोर चोर कई प्रकार के होते हैं गायों को चुराने वाला गायों को चुरा रहा है ले जा रहा है इतने में गोस्वामी आ गया सूर्य तो तेजस्वी बड़ा तेजस्वी है वे गायों का स्वामी वे आया देखा कि चोर ले जा रहा है बस गायों को छोड़कर भाग जाते उसने न तो कुछ कहा न पीटा न पकड़ा कुछ भी नहीं किया जैसे ही गोस्वामी को देखा गौ चोर भाग जाते हैं वैसे ही प्रभु आप चाहे बोलो मत कहो मत कुछ भी मत करो केवल दर्शन मात्र से ही वे उपद्रव भाग जाते हैं समाप्त हो जाते हैं तो देख रहा हूँ कि कल्याण मंदिर स्तुति स्तोत्र नहीं है ध्यान का ग्रंथ भी है स्तुति के माध्यम से कितने रहस्यों का उद्घाटन आचार्य कर रहे हैं कोरी प्रशंसा करना आप ऐसे हो आप ऐसे हो मैं तो उसको अच्छा नहीं मानता कहने की ज़रूरत क्या है प्रशंसा नहीं स्तुति को तो एक माध्यम बनाया और इतने रहस्यों का उद्घाटन कर रहे हैं साधना के रहस्यों का अगर हम उन्हें पकड़ सके तो इस तोत्र के द्वारा एक अच्छा साम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः ओम श्री महाप्रज्ञ गुरु